न्यूज क्लिक के खोज खबर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस समय है हम जंतर मंतर पर, जहां बड़े पैमाने पर नागरिक संशोधन कानून और NRC के खिलाफ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, इस समय देश अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। हर तरफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, IIT हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जादवपुर हो, कहीं पर पूरे देश का नक्शा आप उठा के देखिए, छात्र आंदोलन में है, किसान आंदोलन पर हैं, मजदूर सड़कों पर हैं, और उनका कारण सिर्फ एक है, वह देश को बचाना चाहते हैं। वह कहना चाहते हैं कि भारत का जो निर्माण हुआ है वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर हुआ है, और हम अपने भारत को दोबारा धर्म के आधार पर बटने के लिए तैयार नहीं हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमने बहुत ही दिलचस्प नज़ारा देखा, जब लड़कियाँ सामने आ रही हैं, वह हाथ में फूल लिए हुए हैं और वो कह रही हैं कि यह फूल हम अमित शाह को देना चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आप हमें नफरत सिखा रहे हैं और हम आपको मोहब्बत सिखाना चाहते हैं। हम अपने को बांटना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप सोचिए कि इस देश का जो नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, वह क्या चाहता है, वह इस देश का विकास चाहता है। यह एजेंडा इस समय पूरे देश में जंतर मंतर जैसा हाल है, इसीलिए ज़रूरी है पूछना, युवकों से पूछना, बात करना तमाम लोगों से कि आखिर वे इतने नाराज़ क्यों हैं। मेरा नाम भाषा है, मैं न्यूज़ क्लिक चैनल से हूँ। कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप लोग पहले क्या मंडी हाउस गए? लाल किला हम जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस का इतना हम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम लोग लाल किला से सीधा जंतर मंतर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक घंटे से मेट्रो बंद, ये सब बंद, ये बातें बतलाती है। करते चले, इसका क्या मकसद है? ये फूल प्यार से हम अगर अमित शाह जी मिल जाएंगे तो उन्हें दे देंगे। आप जो दंगाई वाली भाषा बोल रहे हो कि चाहे जो कुछ कर लो, हम ये एक्ट लागू करके रहेंगे तो हम उन्हें ये फूल प्यार से देंगे कि फूल रख लो, लेकिन ये एक्ट लागू नहीं। खोज खबर कार्यक्रम में जैसे हमने बताया कि हम जंतर मंतर पहुँचे हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, लिखने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। हम सबसे पहले बात करते हैं रेखा जी आपसे, क्यों आप हैं, क्यों देश को यहाँ होना? हम देश को बांटने वाली जो भी नीतियाँ हैं इस भाजपा सरकार की, उसके विरुद्ध आज यहाँ पर आए हैं, और यहाँ आतताई उनके दबाव, उनका ऐसा दमन चक्र है कि आज वो हमको शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। सारे मेट्रो स्टेशन उन्होंने बंद कर दिए हैं, लोगों को आने नहीं दे रहे। वहाँ मंडी हाउस से वो उठा उठा कर ले गए हैं, फिर भी हम लोग इस उम्र में भी यहाँ तक चल के आए हैं जी, यहाँ पर आए हैं। इसलिए हमारी ये पूरी शपथ है कि हम इस सरकार को अपने विरोध से झुका कर रहेंगे, और उनको NRC और CAA को वापस लेने की हर कोशिश में शामिल रहेंगे। थोड़ा संक्षेप में बताएं कि युवा जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग पढ़ाते रहे हैं, जिस तरह का युवा है और अपने आप आ रहा है, क्या आपको लगता है इस आंदोलन का भविष्य? ये आंदोलन बहुत ही शुभ संकेत देता है। देश की पूरी युवा पीढ़ी इस समय इस जो बिल आ रहे हैं और देश को बांटने की जो चालें भाजपा सरकार चल रही है, उन सबके विरोध में निकल कर के आ गए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे राज्यों में विद्यार्थी, वहाँ की विश्वविद्यालय, सबके भीतर इस समय ये विरोध चल रहा है। ये आरोप लगाते हैं किसी पार्टी से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वतः स्फूर्त और सच्ची भावना जो देश के हित में है, वो हमारे विद्यार्थियों में, हमारे युवाओं में दिखाई दे रही है। आप राइट टू फूड से जुड़ी हुई हैं, बाकी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, ये जो नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पे कैसे आप देख रही हैं, इतने लोग उमड़े हुए हैं? देखिए, ये जो अटैक हुआ है वो बिल्कुल जो हमारे बेसिक एक देश को जो डिफाइन करता है संविधान पे अटैक है, कि नागरिकता किस तरह से डिफाइन होती है, और ये जो संशोधन है वो तो क्लियर है कि वो सबके लिए नहीं बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है कि इक्वालिटी गारंटी करती है इन फ्रंट ऑफ द लॉ, अगर वो है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम कुछ लोगों को नागरिकता देंगे और कुछ लोगों को नहीं देंगे। और ये मुझे लगता है ये लोगों को भी समझ आई है कि ये हमारे बेसिक फाउंडेशन पर
एक अटैक है, हमला है, और अब हम चुप रहेंगे तो नहीं चलेगा। और एक स्पॉन्टेनियस भी हम देख रहे हैं कि ना ही सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशन है या अभियान है, पर अलग स्टूडेंट। लेकिन आपको क्या लगता है कि जितनी कोशिश इसको हिंदू मुसलमान करने की है वो सफल हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? मुझे नहीं लगता है हो पा रही है, जबकि कोशिश तो बहुत है। लेकिन आप यहीं पे देख लीजिए भीड़, ये बिल्कुल उस तरह का है नहीं हिंदू मुस्लिम का। यहाँ पे जो भी है लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का बात कर रहे हैं और सबको एक समान नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। तो ये कम्युनल एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दैट्स नॉट व्हाट इट इज़। और ये NRC आएगा तो ये सिर्फ मुसलमान पे तो अटैक है ही, पर गरीब, दलित, महिलाएं, सबको प्रूफ तो करना होगा कि वो लोग यहीं के हैं। यह देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ जहां सरकार यह बताने की पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो पूरा कानून लाया गया है, जिस तरह से NRC ला रहे हैं, इससे हिंदुओं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह बुला के जिस तरह से संवाददाता को बता रहे हैं, वहाँ ब्रीफिंग हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि इससे हिंदुओं को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज अगर अभी हम जंतर मंतर पर देखें कि जो लोग आए हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हों, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, यहाँ पर धर्म का विभाजन हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। और यही दृश्य हमें पूरे देश भर में दिखाई देता है। कहीं पर भी जो प्रोटेस्ट है, वह प्रोटेस्ट कितना भी नरेंद्र मोदी बोलें कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके कपड़ों से वह शिनाख्त कर सकते हैं, लेकिन जो जनता है वह जवाब बहुत साफ दे रही है कि जिस तरह का माहौल मोदी सरकार ने देश भर में बना रखा है उसके खिलाफ बड़ी संख्या में लोग उतर रहे हैं। मेरा कसूर ये है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। रद्द करो, ये देख लीजिए आप, ये लोकतंत्र है, ये भारत का लोकतंत्र है जो सड़कों पे पुलिस जो है डिटेन कर रही है। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, अगर नरेंद्र मोदी एक डिबेट चाहते हैं तो हमारे साथ सड़क पे आए। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्यों डिटेन कर रहे हैं? ऐसे ही डिटेन कर ले रहे हैं। हम इधर खड़े हुए थे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे बाकी लोगों को कर लिया डिटेन। We won't back down and we will fight. We won't back down. The student movement will rise. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. जिस तरह से बर्बर दमन हो रहा है, चाहे वो जामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, JNU हो, DU हो, या आज जिस तरह से दिल्ली ने जो माहौल देखा, मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले कई दशकों में इस तरह का माहौल दिल्ली में दिखाई दिया हो, जहां आप सड़कों पे उतर नहीं सकते। जैसे ही लोग लाल किले के पास उतरे, वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लोग छूटे और फिर वहां से जंतर मंतर पर आए। बड़े पैमाने पे जो लोगों का आक्रोश है वह अपना रास्ता ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक बात बहुत और साफ है जिस पे हमें बात करनी ज़रूरी है कि इस पूरे आक्रोश को हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है वो कैसे कवर कर रहा है, कैसे खबरें दिखा रहा है इस पर, और इसे लेकर जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं। आज हमने यहाँ देखा, जब कुछ TV चैनल आए, कुछ लोग बात करना चाह रहे थे, तो लोगों ने तुरंत विरोध किया। लोगों ने कहा गोदी मीडिया बायकॉट, गोदी मीडिया गो बैक। ये जो मीडिया के बारे में अवधारणा बड़े पैमाने पे लोगों की बन रही है, आखिर इसकी ठोस वजह क्या है? इसकी ठोस वजह यह है कि जब मीडिया के ये चैनल्स, खास तौर से अगर आप कुछ चैनलों की बात करें, Zee News, Times Now, ये जब आंदोलन के बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो
उनसे पूछते हैं कि क्या आपको इस कानून की यह धारा के बारे में पता है, क्या आप उस धारा के बारे में जानते हैं कि नहीं, आप हिंदू हैं फिर क्यों विरोध कर रहे हैं इसका, यह तो मुसलमानों की चिंता का विषय है। ये जो सारे सवाल हैं, ये सवाल बताते हैं कि मीडिया खुद किस तरह से बायस्ड खड़ा हुआ है। हालांकि मीडिया में भी इस समय बड़ी बेचैनी है कि ये जो आक्रोश जन सैलाब उमड़ रहा है, इसे वो किस तरह से दिखाए। हर जगह वह सैलाब हिंसक नहीं हो रहा है। सवाल दूसरा जो हम पूछना चाहते हैं मीडिया के अपने सहकर्मियों से, कि क्या देश जब इतने निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है, तब यह सवाल हमें अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछना चाहिए कि जो आप यह कानून लाए हैं, यह संविधान की किस किस धारा के खिलाफ है? आखिर जब आपको बांग्लादेश के मुसलमान याद आते हैं, आपको अफगानिस्तान के लोग याद आते हैं, आपको तमाम और जगह की आप अंदर से घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसे में आपको वहाँ के हिंदू याद नहीं आते, जैसे श्रीलंका के हिंदू आपको याद नहीं आते, आपको नेपाल के हिंदू याद नहीं आते। आप हिंदुओं में भी बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं। आखिर यह सिलेक्शन क्यों है? क्या आधार है कि आप अफगानिस्तान तो पहुंच जाते हैं लेकिन आप श्रीलंका नहीं पहुंचते हैं, श्रीलंका के तमिलियों के बारे में आप नहीं सोचते हैं? ये जो विभाजनकारी नीतियां लगातार प्रधानमंत्री और अमित शाह जिस पे डटे हुए हैं, आज की तारीख में कम से कम इतना साफ लगता है कि इसके बारे में बड़े पैमाने पर लोग जान रहे हैं, नहीं तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर मीडिया उनको जानने के बजाय भ्रमित करने या सरकारी भोपू बनने में कोई परहेज नहीं कर रहा। हमने देखा कि जब हिंसा हो रही थी, चाहे वो जामिया में हिंसा हो या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंसा हो, जहाँ बर्बर उत्पीड़न किया गया, पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ, उंगलियाँ काट दी गई, हाथ अलग हो गए, आँख हो गई, उस समय भी जो मीडिया है वह इस बात से चिंतित नहीं था। वहाँ पर हम खोज कर एक पश्चिम बंगाल का दृश्य लाते हैं और उसे दिन भर चलाते हैं। सवाल है कि अगर लोगों के अंदर आक्रोश है तो हमारा जो संविधान है हमें राइट टू प्रोटेस्ट देता है, हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। यहाँ पे जो लोग सारे लोग जमा हुए हैं, हम सब अपने संविधान का ही पालन कर रहे हैं, हमें जो अधिकार मिले हुए हैं उसका पालन कर रहे हैं। खास तौर से इस समय देखिए कि देश में हालात क्या हैं। इस समय आलू 50 और 60 रुपए किलो हो गया है, प्याज 100 रुपए, 120, 160, 180 रुपए में बिक रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और जो हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, वह रसातल में जा रही है, 4% तक पहुंच गई है। ऐसे में ये जो सवाल हैं, जो जनता की रोजी रोटी से जुड़े हुए सवाल हैं, इन सवालों से जो बुरी तरह से मोदी सरकार गिरी हुई है, वह चाह रही थी कि नागरिकता संशोधन कानून और हिंदू मुसलमान और देश को दोबारा एक विभाजन की तरफ ले जाकर ये सारे मुद्दों से वह बच जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि महंगाई को झेलते हुए, छटनी को झेलते हुए, बेरोजगारी को झेलते हुए ये तमाम युवा अपने देश को बचाने के लिए लामबंद हैं। आने वाले दिन और ज़्यादा सड़कों पर निकलने वाले हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है हमारा और आपका अफवाहों से दूर रहना। हिंदू मुसलमान का जो विभाजन हो रहा है, इसको जहां से शुरू हो रहा है वहीं ख़त्म करना। व्हाट्सएप की पूरी आईटी सेल की एजेंसी चल रही है भाजपा की, इसका जवाब देना, लोगों तक सच पहुंचाना। ऐसे में ज़रूरी है कि आप देखें न्यूज़ क्लिक, लाइक करें, शेयर करें खोज खबर, ताकि सच जिंदा रहे और लोकतंत्र को बचाने का ये जो अभियान चल रहा है यह जिंदा रहे। सच के बिना लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। शुक्रिया।